Now, in this particular lecture, we are going to see regarding the history of the railway budget, which has been introduced first in 1925 separately from the union budget on the recommendation of the Ackworth committee. Okay, so उस time पर क्या हुआ था 1920-21 में एक Ackworth committee ने जो उसमें 10 members हुआ करते थे उस time पर एक ब्रिटिश रेलवे के इकोनॉमिस्ट थे विलियम Ackworth. उन्होंने सजेस्ट किया कि जो भी रेलवे का पार्ट है इंडिया में उसको हमें क्या करना है, रीऑर्गेनाइज करना है. सो दैट्स व्हाई उन्होंने एक कमिटी बनाई और उन्होंने पूरा एक तरह से रीऑर्गेनाइज करने का क्या किया, एक पूरा रिपोर्ट तैयार किया. एंड फर्दर ताकि जितने भी फाइनेंसेस हैं, जो रेलवे के फाइनेंसेस हैं, वो सेपरेटली डील किए जाए. ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे एंड देयर मेन एम वाज टू गेट द प्रॉफिट, दैट्स इट. ओके, सो इस वजह से उन्होंने बोला कि देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो रेल बजट है ये अब हम लोग सेपरेटली क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमारा जो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है और जो मैनेजेरियल ऑटोनॉमी है वो क्या रहे, बरकरार रहे. मतलब जो रेलवे के जो डिसीजंस हैं वो कोई और सेक्टर उसमें हाथ नहीं डाल सकता है. अदरवाइज क्या होता था कि इंडियन जो कुछ रूलर्स होते थे वो उसमें क्या करते थे, बीच में कुछ ना कुछ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे. तो ये उनका ही स्ट्रेटेजी था कि एक मैनेजरियल ऑटोनॉमी क्या रहे, रेलवे का बना रहे ऑन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो ये पूरा का पूरा क्या था उस टाइम पर, ये पूरा सीन था. अब बात करते हैं कि ये तो उस समय की बात रही, और उस समय मतलब एक चेयरमैन इन्होंने बना दिया रेलवेज का, और वही क्या करते थे, हर बार एक सेपरेट रेलवे बजट दिया करते थे. ठीक है, जब इंडिया क्या हुआ, अपना इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि हमारे काफी बढ़िया एक इकोनॉमिस्ट थे उस समय, जॉन मथाई. ओके, जॉन मथाई की जवाहरलाल नेहरू से काफी बढ़िया फ्रेंडशिप थी. एंड उस टाइम पर बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ महात्मा गांधी, वैसे तो जॉन मथाई को फाइनेंस मिनिस्टर बनना था, बट उस टाइम पर बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड थोड़ी सी क्या हुई, अनबन हुई थी जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी, बट स्टिल वो अपने डिसीजन पर काफी अड़े रहे और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया आर के शनमुगन चेट्टी को. ठीक है, ये किसके द्वारा रिकमेंड किए गए थे, महात्मा गांधी के द्वारा रिकमेंड किए गए थे एज आवर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर. बट उस समय जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जॉन मथाई हमारे क्या बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, बट स्टिल उनको क्या किया गया, फर्स्ट रेल मिनिस्टर बनाया गया अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का 1947 में ही. ठीक है, एंड मैं आगे फर्दर आप काफी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा. एक ये पॉइंट है जहां पर इवन विकिपीडिया में भी इंफॉर्मेशन आपको गलत दी गई है. ठीक है, जो हमारा सबसे पहला बजट, रेल बजट पेश किया गया था, इट वॉज एन इंटरिम रेलवे बजट. इंटरिम तब होता है जब कोई गवर्नमेंट चेंज होने वाली हो, जो फाइनल ईयर होता है गवर्नमेंट का, ये जनरली उस टाइम पर आता है. बट उस टाइम क्या था कि अपने को इंडिपेंडेंट हुए, 15th अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस मिला था, एंड उसके बाद सारी बॉडीज को हमें कंस्टिट्यूट करना था. तो उसके वजह से नवंबर के टाइम पर ही ये जब सारी चीजें फ्रेम हो गई, जब रेलवे बजट आने वाला था, तो उस समय उनके दिमाग में ये आया कि देखो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने ही वाला है, तो हम अभी पूरे ईयर का बजट या फिर कुछ ऐसा टैक्सेशन सिस्टम इस बार इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं. बिकॉज आपको भी पता है दैट टाइम देयर वॉज इवन अ सिचुएशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड उसके वजह से रिसोर्सेज अभी भी सरप्लस में नहीं आए थे, एंड इवन द कंडीशन वॉज ऑल्सो वेरी पुअर दैट टाइम. ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में मैंने कवर करी थी. ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, एंड सिंपली एक चीज पे फोकस किया गया कि ये जो भी टर्न अराउंड टाइम है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वैगन का जो भी टर्न अराउंड टाइम होता है, सिर्फ उसको इम्प्रूव करने पे जोर दिया गया था फॉर दैट इंटरिम रेलवे बजट. ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमारे जो फर्स्ट रेलवे बजट जो दिया गया था वो जॉन मथाई के द्वारा ही दिया गया था. बट मेनी ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, जैसे विकिपीडिया ये सब में जैसे आप चेक करोगे तो वहां पर लिखा रहेगा कि फर्स्ट जो रेलवे बजट है वो आर के शनमुगन चेट्टी ने दिया है, बट इट इज रॉन्ग.
ठीक है, उन्होंने उसको पास किया था बट उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था, इट वॉज पास्ड बाय हिम बिकॉज वो उस टाइम के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट इट वॉज एक्चुअली प्रेजेंटेड बाय जॉन मथाई ऑन 20th नवंबर 1947। ठीक है, एंड फर्दर आपको भी पता है उस टाइम पर, क्योंकि जब ये सेपरेट हुआ था एक्वर्थ कमिटी से कि भाई अब रेलवे बजट अलग से पेश होगा, तो ये रेलवे बजट हमेशा यूनियन बजट के कुछ दिन पहले दिया जाता था। ठीक है, तो जस्ट उसके 6 डेज के बाद यूनियन बजट पेश किया गया, किसके द्वारा, आर के शनमुगन चेट्टी के द्वारा ऑन नवंबर 26, 1947। तो वो भी इंटरिम यूनियन बजट ही था। ठीक है, इंटरिम क्यों बोला गया, क्योंकि जस्ट जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला था वो काफी नजदीक था, इट वॉज ओनली 95 डेज अवे जब आप इस बजट को प्रपोज कर रहे थे। दैट्स वाई वो सिर्फ इतना ही डिसाइड किया गया कि देखो हम कोई भी टैक्सेशन सिस्टम अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसे ही हमारा नया फाइनेंशियल ईयर आएगा हम उस टाइम से सारे टैक्सेशन सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, फिलहाल के लिए जो भी टर्न अराउंड टाइम है, जो इफिशियंसी है इंडियन रेलवेज की, ये सब कुछ क्या करते हैं इस बार के लिए कुछ जो भी 3-3.5 महीने बचे हुए थे उसमें इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। फर्दर क्या हुआ, वापिस से वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, जवाहरलाल नेहरू के साथ फिर से कुछ कहा सुनी हुई महात्मा गांधी की, एंड फर्दर ये सारी चीजें क्या हुई, लाइक आर के शनमुगन चेट्टी को बाद में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर क्या करना पड़ गया, उनको रिजाइन करना पड़ा, एंड फर्दर अगेन जॉन मथाई हैज टेकन हिज प्लेस, ही हैड सक्सीडेड आर के शनमुगन चेट्टी। ओके, एंड फर्दर आपको पता होगा यहाँ पे देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्या करी है, मेंशन करी है, आप थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा पढ़िएगा। तो नेक्स्ट ईयर भी, मतलब ये चीज बाद में हुआ था बट 1947 में, कब, ऑन 20th नवंबर 1947 सबसे पहला इंटरिम रेल बजट किन्होंने दिया, जॉन मथाई ने, पास किन्होंने किया, आर के शनमुगन चेट्टी ने, जो कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापिस से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि उस टाइम, इट इज नोटवर्थी दैट द फर्स्ट यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड अमिडस्ट द widespread riots due to the partition of India, and partition भी हुआ था 1947 में, तो ये उस समय काफी, मतलब जो situation चल रहा था वो भी काफी क्या था, खराब चल रहा था, इसलिए बहुत सारी चीजें, मतलब taxation system ये सब introduce करने के position में भी नहीं थे, ये भी एक बहुत बड़ा scenario था उस time पर। ठीक है, In 1948 also, जैसे ही नया financial year आया, उस time भी John मथाई ने क्या किया, अपना rail budget वापिस से दिया, एंड उस टाइम पे जो भी चीजें इंप्लीमेंट करनी थी वो उस टाइम से इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हुई, एंड इसी वजह से बहुत जगह इन विकिपीडिया एंड इन मेनी ऑफ द प्लेसेस जो रेलवे बजट का जो इंफॉर्मेशन है वो 1948 से है, 47 से नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एंड लेटर उन्होंने रिजाइन किया कब, एज अ रेलवे मिनिस्टर ऑन 20th सितंबर 1948, एंड उसके जस्ट बाद उन्होंने एज अ फाइनेंशियल मिनिस्टर क्या किया, सक्सीड किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। यहाँ पे देखो मैंने जैसे लिख रखा है, शनमुगन चेट्टी रिजाइंड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंस्टेबिलिटी विद जवाहरलाल नेहरू, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली वॉज पास्ड ऑन टू जॉन मथाई हु प्रेजेंटेड द सबसीक्वेंट यूनियन बजट्स ऑफ 1949-50 एंड 1950-51। अब आपको ये ईयर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये 1950 वाला ईयर क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम हमारा जो इंडिया, इंडिया कंट्री था वो रिपब्लिक बना। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहला तो ये इम्पोर्टेंट है कि हु वॉज आवर फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले जो जो रेल मिनिस्टर थे वो कौन थे, जॉन मथाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बजट भी दिया था, ऐसा नहीं कि बजट आर के शनमुगन चेट्टी ने दे दिया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज इंफॉर्मेशन गलत है। फर्दर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, दैट हु वाज आवर फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ड्यूरिंग आवर, लाइक ऑफ आवर रिपब्लिक इंडिया, कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए फिर कैसे इसको आंसर करोगे। ठीक है, तो 1950 के टाइम पर जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वही क्या करेंगे, रेलवे बजट को पेश करेंगे। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आगे जानेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, फर्दर चलिए, 1949 और 1950 और 1950-51 ये किन्होंने पेश किया, ये जॉन मथाई ने पेश किया, कौन, यूनियन बजट। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं कि रिपब्लिक इंडिया के सबसे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, और क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि उनके नाम एक और बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, लाइक वो
काफी दूसरे चीजों के लिए भी जाने जाते हैं एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू आवर जी के टर्म्स. ओके सो लेट अस सी फर्स्ट, इंक्लूडिंग ऑल प्रिंसली स्टेट्स. ये सारी चीजें आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वैगन टर्न अराउंड, ये एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको WTR भी बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक इन रेलवे टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, रेलवे टर्न अराउंड रिमेन्स अ परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ गुड्स ट्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरिम बजट. हाँ, ये सिर्फ इस पैरामीटर को सुधारने पे ही उस वक्त ध्यान दिया गया था, कोई टैक्सेशन सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया था. द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव लोडिंग्स ऑफ अ वैगन इज नोन एज द वैगन टर्न अराउंड. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है. अब बात करते हैं यहाँ पर, ये 1950 में जो हमारा क्या हुआ था, इंडिया रिपब्लिक बन गया था, उस टाइम पर हमारे जो रेल मिनिस्टर थे, ही वॉज एन गोपाल स्वामी अय्यंगर. सो ही वॉज आवर फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक इंडिया. एक्चुअली में जस्ट बाद जब जॉन माथाई ने रिजाइन किया था एज अ रेल मिनिस्टर, जस्ट आफ्टर दैट हु हैड सक्सीडेड हिम, ही वॉज एन गोपाल स्वामी अय्यंगर. सो 1948 से टिल 1952 ये हमारे रेल मिनिस्टर रहे थे. एंड जैसे ही इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रेम हुई 1950 में, हमारा इंडिया रिपब्लिक बना, उस टाइम पे हमारे जो रेल मिनिस्टर थे, हम उनको क्या बोलेंगे, आवर फर्स्ट रेल मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक इंडिया. सो ही वॉज एन गोपाल स्वामी अय्यंगर. बट ये इस चीज के लिए इतने फेमस नहीं है, जिस चीज के लिए ये ज्यादातर फेमस है इस चीज के लिए. ठीक है, एक्चुअली में जो आर्टिकल 370 फ्रेम किया गया था, वो किन्होंने फ्रेम किया था, वो इन्होंने ही फ्रेम किया था. ठीक है, जो कि एनडीए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इस सारी चीजों को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया. आर्टिकल 370 क्या करता था, दिस आर्टिकल एक्चुअली ग्रांट्स द लोकल ऑटोनॉमी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो ये चीज शायद आपको समझनी काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट यहां पर मैं एक चीज और यहां पर आपको बात करना चाहूंगा, एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, रोलिंग स्टॉक का आपने नाम सुना होगा. रोलिंग स्टॉक इज अ जेनेरिक टर्म दैट इज यूज्ड इन द रेल रोड इंडस्ट्री टू डिनोट एनी थिंग ऑन रेल व्हील्स. जो भी चीजें हैं जो रेल व्हील्स के थ्रू क्या की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग स्टॉक बोलते हैं. द टर्म इंक्लूड्स लोकोमोटिव्स, फ्राइट कार्स, फ्लैट कार्स एंड अदर व्हीकल्स दैट यूजेस स्टील व्हील्स ऑन रेल रोड ट्रैक्स. सो इसका एक क्या है, एक डायरेक्ट जेनेरिक टर्म बोल सकते हैं, कॉमन नेम बोल सकते हैं, जिसको हम रोलिंग स्टॉक भी कह सकते हैं. फर्दर मैं बजट की और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं, तो बजट को फर्स्ट टाइम हिंदी में प्रिपेयर किया गया था इन 1955 एंड 56 वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो ये चीज भी एक तरह से इंपॉर्टेंट निकल कर आता है. फिर मैं बात करता हूं, इट वाज प्रेजेंटेड बाय यूनियन रेलवे मिनिस्टर एनुअली एज अ मनी बिल इन द लोकसभा. द फर्स्ट एवर लाइव कास्ट ऑफ द रेलवे बजट टुक प्लेस ऑन 24 मार्च 1994. ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन एज एन MCQ निकल कर आता है कि देखो रेलवे बजट को फर्स्ट टाइम लाइव टेलीकास्ट कब किया गया था. सो डेट भले ही इंपॉर्टेंट ना हो बट ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, 1994. बहुत सारे लोगों का ये डेट ऑफ बर्थ भी होगा, सो उसको आप उस वे में क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो. नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, दो द टर्म रेलवे बजट इज नो वेयर एल्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेम नहीं है रिगार्डिंग द रेलवे बजट, या फिर इसको सेपरेट दिया जाना चाहिए या साथ में दिया जाना चाहिए कंबाइंड फॉर्मेट में, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है. बट एक चीज जरूर मेंशन है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन लोकसभा अंडर द आर्टिकल 112 एंड 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्न्स द जनरल बजट. जनरल बजट के बारे में जरूर क्या है, चीजें कॉन्स्टिट्यूटेड है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि ये लोकसभा में उसी आर्टिकल 112 एंड 204 के रिगार्डिंग ही क्या किया जाता है, इसको गवर्न किया जाता है. ठीक है, और उसी के थ्रू ही इसको पास किया जाता है. ठीक है, बट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है रिगार्डिंग रेल बजट, इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, यूजुअली द रेल बजट इज प्रेजेंटेड एनुअली फ्यू डेज प्रायर टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल बजट. हाँ, जनरल बजट मीन्स यूनियन बजट की बात की जा रही है. इट प्रिसीड्स द सबमिशन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. लालू प्रसाद यादव, यहाँ पे देखो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने काफी जरूरी है, एंड ये जनरली विकीपीडिया पे भी क्या है, मैंशन है, बट स्टिल आपको ये जानना चाहिए. अगर क्वेश्चन आया दैट हु हैड प्रेजेंटेड द रेल बजट फॉर द मैक्सिमम टाइम, सो
वो थे लालू प्रसाद यादव, जो कि 2004 से लेकर 2009 तक कंटिन्यूअसली 6 ईयर्स इन अ रो उन्होंने क्या किया था, रेल बजट को पेश किया था अंडर द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट जो एक फैक्ट है वो ये है कि इन 2002 ममता बनर्जी बिकेम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट। शी ऑल्सो होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट अंडर टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स। वो अकेली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उस बजट को दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंडर क्या किया था, होल्ड किया था, एंड दैट गवर्नमेंट वॉज एनडीए गवर्नमेंट एंड यूपीए गवर्नमेंट। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं 2014 में, व्हेन इन 2014 व्हेन एनडीए गवर्नमेंट्स कम, दैट टाइम डीवी सदानंद गौड़ा वाज देयर टू प्रेजेंट द फर्स्ट रेलवे बजट अंडर दैट एनडीए गवर्नमेंट। ओके, एंड यू माइट बी नोइंग दैट इन 2016 इट वाज द वेरी लास्ट टाइम व्हेन अ सेपरेट बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द एनडीए गवर्नमेंट, एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 2017 अ कंबाइंड बजट वाज एक्चुअली टेकन। ओके, सो यू यू माइट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स। सो हु वॉज द लास्ट रेलवे मिनिस्टर हु हैड प्रेजेंटेड द रेलवे बजट सेपरेटली, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ही वॉज सुरेश प्रभु। ओके, आप यहाँ पे नीचे पिक्चर देख सकते हैं, एंड आफ्टर 92 ईयर्स इन 2017, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेपरेट बजट का जो आपका पूरा सिनेरियो था ये एबॉलिश कर दिया गया, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर 92 ईयर्स इन 2017 आवर फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, जो कि अब नहीं रहे हैं, उन्होंने 2017 में कंबाइंड बजट पेश किया था, एंड रेलवे बजट एंड यूनियन बजट, एंड इवन जो चीज पहले फरवरी एंड में हुआ करती थी नाउ इट वाज शेड्यूल्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डेट और वेरी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। जनरली 1 फरवरी को इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज हो जाती है, अगर संडे पड़ गया तो भाई फिर मंडे को होता है। ठीक है, लाइक 2 फरवरी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज भी उन्होंने ये चीज चेंज लेकर आए। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। और अब सबसे लास्ट चीज जो कि एक DFCCIL के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, करेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे की बताने की जरूरत नहीं है, यू माइट बी नोइंग वेरी इजली दैट मिस्टर पीयूष गोयल इज आवर करेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द रेलवे मिनिस्ट्री, वहां पे दो टाइप के मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, रेलवेज में एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभाल रहे हैं, मिस्टर पीयूष गोयल। सेकंड, एक और मिनिस्टर का सीट होता है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, जो कि अभी करेंटली वैकेंट है। क्यों वैकेंट है? बिकॉज पहले जस्ट ऑन 23rd सितंबर 2020 हमारे जो काफी फेमस एमपी थे कर्नाटका बीजेपी के, मिस्टर सुरेश अंगड़ी, ही वॉज पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19 ऑन 23rd सितंबर 2020। ठीक है, काफी फेमस एमएलए थे वहां पे कर्नाटका के, एंड इनकी कंस्टिट्यूएंसी बेलागावी थी। मतलब उस टाइम पर जिस टाइम इनकी डेथ हुई थी, एक्चुअली मैं उस टाइम बेलागावी में ही था। ठीक है, और उस टाइम पे ये मतलब जो एक ये न्यूज थी वो काफी लाइक शॉकिंग थी फॉर द बीजेपी, क्योंकि अभी जो करेंटली लाइक बीजेपी गवर्नमेंट है कर्नाटका में, वो एक्चुअली जो मोस्टली जो एक फाउंडेशन मेंबर बोलते हैं ना, वो एक्चुअली सुरेश अंगड़ी ही थे। ठीक है, काफी बढ़िया इनका बैकग्राउंड रहा है, एंड एक बोलते हैं ना बहुत ही एक डिवोटिंग कार्यकर्ता थे फॉर बीजेपी। ठीक है, तो ये इनके वजह से लाइक जब इनकी डेथ हुई COVID-19 के वजह से ऑन 23rd सितंबर 2020, उसके बाद से ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, इसकी सीट क्या है, वैकेंट है। पहले ये सीट वैकेंट नहीं हुआ करती थी। DFC में एक क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनकर आता है कि रिसेंट में वो कौन एमपी थे या फिर वो कौन मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ COVID-19। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है विथ रिस्पेक्ट टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज। ठीक है, एक तो होता है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, इसको आप एक तरह से बोल सकते हैं जूनियर मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। ठीक है, जो कि लाइक हेल्प करते हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज को टू मेक सेवरल डिसीजंस। ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है ये एक्चुअली एक कैबिनेट मिनिस्टर का क्या है, पोस्ट है,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज ये कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट नहीं है, ये इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये असिस्ट करते हैं किनको, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज को। एक और वैकेंसी होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, जिनके पास इंडिपेंडेंट क्या होता है, अथॉरिटी होता है, बट इनको जो पोस्ट दी गई थी वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को नहीं थी। सो ये जो कुछ भी चीज़ें होती थी वो डायरेक्टली ये रिपोर्ट किनको करते थे, ये मिनिस्टर ऑफ रेलवेज आई मीन टू से पीयूष गोयल जी को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने आपको देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक लाइक एक ओवरव्यू दे दिया है कि सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली पीएम से क्या रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फर्दर जो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं दे आर नोन एज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। एंड जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या वापस असिस्ट करते हैं उनको हम एक और लाइक यहाँ पर मिनिस्टर का नाम देते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। सो ये एक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या है ओवरऑल, ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप ये पूरा कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम जोन्स के डिवीजन्स, कब कब कैसे डिवाइड हुए एंड सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लाइक जोनल वाइज सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है।